हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं लुलू, आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल पंडा ट्रेमेकर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको तीन बैंड एट ए टाइम कैसे मेजरमेंट के साथ बनाते हैं वो दिखाने वाले हैं। और ये देख सकते हैं, उसका ड्राइंग में बना दिया कुछ इस प्रकार से। इधर एक 40x45 में 90 डिग्री बनने वाला है, फिर इधर एक 45x45 में 90 डिग्री, और एक 45x45 90 डिग्री में बनने वाला है। इसका मेजरमेंट ग्राउंड लेवल से हम कैसे लेता है, और इसको फॉलो कीजिए, आपका भी काम बहुत आसान हो जाएगा और वो ऐसा टाइप का बेहतरीन काम भी आप लोग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमको इसका हाइट असल में चाहिए। इसका हाइट, ये बैंड का हाइट, ये बैंड से ए बैंड का दूरी कितना है। ओके, ए बैंड का बॉटम से ए बैंड का टॉप लेवल हमको मेजरमेंट लेना है। बस बस बस, वो छोड़ो। ये रेशियो इधर से आया है, आने का बाद तो ये एंगल में तुम आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी क्या होगा कि ये रेशियो यहाँ से ऐसे जाने वाले है। ओके, तो उसका लेवल डाउन है और ये थोड़ा हाइट में है, और कितना है कि हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 460 बता रहा है, मैं 465 के हिसाब से एक बैंड का मेजरमेंट भी कर लिया है। 465 लिख लेते हैं। मार्कर किधर है? ये वाला 4, ये वाला 465। ओके फ्रेंड्स, इसका टॉप से इसका बॉटम 465। ओके, तो और एक बात, हमको इधर से पहले नीचे से आना, ऐसे आने के बाद ऐसे आना, इसके साथ लिंक होना, लिंक होने के बाद इधर से हम डाउन करेंगे। इसका मेजरमेंट तो हम यहाँ पर लिखा है कुछ 750, तो इसका मेजरमेंट तो 750 है इसका। यही दोनों मेजरमेंट से हमको टोटल तीन बैंड का मेजरमेंट मिल जाएगा। और हर एक बैंड के लिए हमको कितना चाहिए, मेरा पिछला वीडियो में मैं बहुत सारा बैंड का वीडियो छोड़ा है जिसमें कि मैं मेजरमेंट मेंशन किया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, एक टर्न के लिए हमको जो ऐसे कर्व होके जाता है, इसके लिए हमको 50 mm के हिसाब से रखना है। ओके, 50 mm के लिए ऐसे 75 mm हमको रखना है, ऐसे 72 ऐसा कुछ रखना है, तो 72 रखना है। ओके फ्रेंड्स, वही हिसाब से हम यहाँ पर मेजरमेंट कर लिया है कुछ, यहाँ पर दिखा। यहाँ पर दिखाओ पूरा पास में लेकर। पहले फ्रेंड्स, ये जो फास्ट बैंड बनेगा, ये अंदाज से हम इसका मेजरमेंट रख लेते हैं। अंदाज से देख सकते हैं, यहाँ पर इधर देखो, यहाँ पर मैंने वो एंड से कुछ 200 छोड़ा है। 200 छोड़ने के बाद ये दोनों बैंड हम कर दिया। ओके, ये बैंड के लिए, हर एक बैंड के लिए डबल कट में बैंड है तो 41 रखना है, टोटल 41 रखना है, इसको भी 41, ये 72 रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेजरमेंट, देखो पास में ले लो। किधर चाहिए था मान लो नहीं। ओके फ्रेंड्स, और ये देख सकते 72 कैसे है। क्या बोला,
41, ओके। ये बीच का हिस्सा जो 750 है, 750 से यहाँ पर 50 mm माइनस होना है, यहाँ पर 50 mm माइनस होना है। 50-50 माइनस होगा तो वो हो जाता है 650 माइनस 100 इक्वल 650। और यहाँ पर देख सकते हैं इधर तो देख सकते हैं 650 है। और यहाँ पर सेम उसी तरह 41 72, फिर 41, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर दिखाओ 465, ओके फ्रेंड्स। 465 है तो हमको यहाँ से भी इससे 100 mm माइनस करना है, माइनस 100, क्योंकि यहाँ पर 50 यहाँ पर 50, ओके। सेंटर का हिस्सा ये माइनस करने के बाद 365 होना चाहिए, इक्वल 365। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका भी मेजरमेंट निकाल के उल्टा बेंड कर दिया, ये जो कि उल्टा बेंड होगा, ओके, ऊपर की तरफ। यहाँ पर पहले मेजरमेंट लिखा लेते हैं, यहाँ से देखिए किधर है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 300 है, ये 365, ओके फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स, हम तीनों का एट ए टाइम मेजरमेंट करने के बाद इतना आसान हुआ हमको कटिंग करने के लिए। तो आप ये सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए, आपका भी काम बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी बेंड करने का बारी आता है, हम बेंड करके उसका मेजरमेंट जो है करेक्ट हो रहा है या नहीं अभी आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं। रोहित मेजरमेंट टेप लेकर, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस डायरेक्शन में है बराबर, देखिए, जो कि पहले ये बैंड बन गया और ये बैंड बनने के लिए बन गया, और ये वाला बैंड इस प्रकार से हम बनाने वाले थे। पास में आओ, इधर मेजरमेंट करो, थोड़ा यहाँ से यहाँ मेजरमेंट करो, सेकंड 50 होना चाहिए, थोड़ा लेकर आओ पास में, इधर दिखाओ पहले, यहाँ पर दिखाओ। देख सकते फ्रेंड, ये इधर से इधर हमको 750 होना चाहिए था, और यहाँ पर लाइव प्रूफ देखिए 755 हुआ, 5 mm बड़ा है, ओके फ्रेंड्स। ये भी ग्राइंडिंग मारेगा तो बराबर आ जाएगा। और इसका हाइट देख सकते हैं, ये 465, जो कि इसका बॉटम से इसका टॉप होना चाहिए, तो हम बॉटम से लेंगे तो इसमें और 50 mm मिलाना चाहिए, तो 535 होना चाहिए। तो इधर थोड़ा चेक करो मेजरमेंट, उल्टा उल्टा ये जो कि 30 mm हो रहा है,
ऐसे 4-5 mm इधर उधर होता है। चेतन इधर था, तुम लोग प्रेम सभी सामान शिफ्ट करो उधर इधर उधर उधर इधर आओ। तुम इतना लेट में आने का टाइम वो देखो लगा दिया। गिलास लेकर आ जाओ। गिलास कटिंग पे कटिंग पे कटिंग पे तरह के रंग आ रही है। इधर को होल मारना। हाँ होल मारना, उसको टाका मार देंगे इधर से। और इसको आगे पीछे मेजरमेंट करके ये फिक्स बोल्ट मारना बराबर। ओके बंद। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये बैठ गया है। ओके ये हम इसी तरह से बनाए थे जो कि इतना हाइट में आने वाला है। और उसका ये पीस भी हम मेजरमेंट करके पेंट कर दिया है। इसमें थोड़ा स्पॉट लगाना है। उसका सपोर्ट अभी बन रहा है। इधर एक सपोर्ट दे देंगे। बाकी इधर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है। सपोर्ट लगाने के बाद ये काम खलास होता है। इसमें अभी सपोर्ट भी लगा दिया। इसी तरह से दोस्तों आज का काम खलास हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। अगर आपका मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे और एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहते हम। नमस्कार।